अगर तुमको कोई मिसगाइड करता है ना, तो मिसगाइड नहीं होना, वो शासन का नियम है, उसके मुताबिक चलेगा। आज तुम्हारा ये साइड बंद है, ये साइड चालू है, कल तुम्हारा खुलेगा, ये साइड बंद रहेगा। सामने सामने खुला रहने वाला नहीं है, ध्यान में रखो। वो राइट ये बंद किया हमने, ये बंद किया हमने, बंद किया हमने, वो चालू है, वो भी मिसगाइड हो गए, वो भी मिसगाइड हो गए। ये तारीख को इधर बोला था, आपका खुद ही बंद किया था, तुम्हारे बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, इससे क्या बोलते हैं, इससे अच्छा है प्रिंसिपल कॉर्पोरेशन क्या बोलता है ना, वो देखो ना। महामारी नहीं बननी चाहिए नहीं चाहिए, बंद करो, बंद करो, सुनने का नहीं, हमने सब को बताओ, ये पूरा लाइन बंद रहा, खुलेगा आप अपना शेड्यूल बता देंगे लोगों का। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। एक तारीख से जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन में छूट दी, रियायत दी, अनलॉक किया गया, तब से जो व्यापारी वर्ग है ये बड़े पैमाने पर इन्होंने दुकान खुलकर अपना कारोबार शुरू किया। लेकिन जो नियम सरकार ने इन लोगों पर लागू किए थे, उन नियमों की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। कोई भी दुकानदार, कोई भी व्यापारी नियमों का पालन नहीं कर रहा था। इस नियमों का पालन न करने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से या मनपा की तरफ से दुकानदारों को ऑड और इवन के बारे में बताया ही नहीं गया था कि कौन से तारीख को या कौन से दिन उन्हें खुला रखना है और कौन से दिन उन्हें बंद रखना है। आइए हम जानते हैं कुछ दुकानदारों से क्या कहना उनका, क्या उन्हें इस बात की जानकारी दी गई थी कि ऑड कौन से दिन है और इवन कौन से दिन है, यानी कौन से दिन खुला रखना है, कौन से दिन बंद रखना है। 6 तारीख को खोला, हमको बोला 6 तारीख को आपको नहीं खोलना है, आपको 7 तारीख को खोलना है। वो हिसाब से हमारा 7, 9, 11, 13 इधर खुलता है। अभी इन लोग आके बोले अभी वो चेंज करना है, ये 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम तारीख इसको कर दिया है, इसको भी सम कर दिया है। तो ये मतलब आपको पहले से बताया नहीं गया था क्या, पहले बताया के अधिकारियों ने? हमने पहले दिन से परेशान किया आपने, पहले दिन भी यही हुआ था, पहले दिन से परेशान किया हमको। पहले दिन लोग शाम को 5 बजे बोलने के लिए आए हमको इधर, उनको 10 बजे आना चाहिए बोलने इधर, उसके बाद शाम को 5 बजे बोल रहे हैं अपने गलती से खोल दिया, कल आपको नहीं खोलना है, कल वापिस आपको ही खोलना है। आज कितने दिनों के बाद में है यहाँ पर, फिर कल आए थे शाम, कल हमारा बंद था ये बाजू का, कल हमारा बंद था ये बाजू, तो हमको मालूम ही नहीं आज खोलना है कि नहीं खोलना है। आज सीधा लकड़ी लेके आए, बोले बंद करो बंद करो, हम लोग चोर है क्या, व्यापारी हम लोग यार, फिर समझा के जाओ, समझ के हम सब करने को तैयार है, हम तो कोऑपरेट करेंगे पूरे से अच्छे से। नहीं, प्रशासनिक अधिकारी ने आप लोगों को बताया नहीं था कि आपको कौन से तारीख को खुला रखना था, 7 तारीख आपको खोलना है, तो वही सबसे ग्यारह जब भेजा था ना, वही सबसे हमने सही खोला था, लेकिन उन्होंने आगे उल्टा बताया, जो हम बोलते हैं वो आप करो, तो हमने बंद कर दिया वो हिसाब। अभी भी आपके सामने यही बोला, जो हम बोलते हैं प्रशासन बोलेगा वैसा करो, हमने प्रशासन बोलने के ऊपर ही हमने यहाँ पे 7 तारीख को खोला था। प्रशासन को कुछ मालूम नहीं कि एक्चुअल क्या है, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि सबको है ना बाकायदा बोला गया था, बाकायदा कुछ नहीं बोला हुआ है, बाकायदा कुछ बोला ही नहीं है। इन लोग खुद आए बंद करो, आज तुम्हारा ये खोलने का नहीं था, नगर सेवक दिया है, नगर सेवक ने हमको मैसेज भेजा था यहाँ का कि ऑड इवन जिसका जो है वो हिसाब से खोलना है, तो हमने वो हिसाब से ही खोला था, तो उन्होंने आके बोला कि ये गलत है, आप हम बोलते हैं वैसा करो। ऑड इवन आप लोगों को पता है? हमको पता था ये इवन में आता है, ये ऑड में आता है, लेकिन उन्होंने टाइम पे इसको ऑड कर दिया, इसको इवन कर दिया, अभी बोल रहे ये इवन है ये ऑड है, मतलब इनमें आपस में तालमेल नहीं है, तालमेल नहीं है आपस में, इनको खुद को पता, आगे जाके प्रशासनिक अधिकारी का और व्यापारियों का आपस में तालमेल नहीं बैठा है, फेरी वाले बिंदास बैठे हुए हैं, दोनों बाजू रोड पे बैठे हुए, उनको कोई नहीं बोलेगा, दुकान वाला अगर दोनों बाजू खोल दिया है तो उनको आगे तकलीफ, कार्रवाई करने की बात करेंगे, बैठने का राइट ही क्या, दुकान वाले को तकलीफ है जो भी है बोलने के लिए, उनको फेरी वाले को बैठने का परमिशन है, उनको क्या करना है फिर हमको, फिलहाल तो इतना कोरोना का महामारी है तो फेरी वालों को बैठने भी नहीं देना चाहिए, वहाँ फेरी वाले दुनिया भर के बैठे हुए, रिगार्डिंग कितना पब्लिक है क्या है क्या हिसाब से, कोई उसका पालन ही नहीं। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से व्यापारियों में भी यहाँ पर नाराज़गी दिखाई जा रही है सरकार के प्रति। सरकार ने जो लॉकडाउन खोलने के बाद में जो छूट दिए है, जो रियायतें दी है, जो सहूलतें दी है, उसको किस तरह से अपने पैरों तले रौंदा जा रहा है, उन रियायतों को किस तरह से उसका उल्लंघन किया जा रहा है, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। यह व्यापारियों का दूसरी तरफ आरोप है कि उन्हें बताया ही नहीं गया है, कि ना तो कोई उन्हें ठोस तरीके से समझाया गया है कि कौन से दिन या कौन से तारीख उन्हें बंद रखना है, कौन से दिन उन्हें चालू करना है, ऑड और इवन का उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इसी के चलते आज यहाँ पर पुलिस को रास्ते पे उतर के दुकानें बंद करना पड़ी।
आने वाले दिनों में इस अनलॉक का किस तरह से और ज़्यादा नुकसान इस शहर को उठाना पड़ेगा, कितने कोरोना के मरीज और पाए जाते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आप बने रहे साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड, मेरा भाईंदर, धन्यवाद।